नमस्कार दोस्तों दोस्तों देखा जाए आज हनुमान का 8वां दिन यानी कि सेकंड शुक्रवार है। ऐसे में ये सन 2024 की पहली ब्लॉकबस्टर हिट मूवी तो साबित हो ही गई है और कलेक्शन के मामले में रोज नया रिकॉर्ड और रोज एक नया इतिहास रच रही है। ऐसा किसी को भी उम्मीद नहीं था कि ये मूवी कलेक्शन के मामले में तबाही मचा के रख देगी, जबकि इसके सामने देखा जाए बड़ी बड़ी मूवियाँ रिलीज थी, लेकिन हनुमान मूवी ने सारी मूवियों को पछाड़ करके कलेक्शन के मामले में नंबर वन पे चल रही है। और ऐसे में अगर हम बात करें बॉलीवुड की मूवी मेरी क्रिसमस के बारे में तो उसका हाल इस समय बहुत ही बुरा चल रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन में दोस्तों हम लोगों को ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस मूवी ने अपने पहले दिन 2 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया था और 7वें दिन भी देखा जाए इस मूवी ने 1 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया, यानी कि कलेक्शन में गिरावट नहीं आ रही, लेकिन इसका कलेक्शन जिस हिसाब से निकलना चाहिए था दोस्तों उस हिसाब से कलेक्शन निकल नहीं पा रहा है। और ऐसे में आप लोगों को मालूम है कि इस फ्राइडे बॉलीवुड की तरफ से मैं अटल हूँ मूवी आज के दिन रिलीज हो रही है और देखा जाए दोस्तों फिर इसके बाद फाइटर मूवी रिलीज होगी। ऐसे में इस मूवी के पास शो नहीं बचने वाले हैं और इसका कलेक्शन तो दोस्तों यही कह रहा है कि ये मूवी आने वाले समय में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं चारों मूवियों के बॉक्स ऑफिस एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक के मेरा वीडियो नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं हनुमान मूवी के बारे में। देखा जाए दोस्तों इस मूवी ने अपने 7वें दिन यानी कि गुरुवार वाले दिन 9 करोड़ 70 लाख की कमाई करी है और इसका जो नेट कलेक्शन है वो हो गया है 90 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 142 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है। वहीं अगर हम आज इसके 8वें दिन यानी सेकंड शुक्र की बात करें तो आज ये जो मूवी है 10 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करते हुए दिख रही है। और इसी के साथ देखा जाए दोस्तों नेट कलेक्शन के मामले में ये जो मूवी है 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देगी और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में दोस्तों ये मूवी 150 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देगी। वहीं अगर हम बात करें गुटूर करम के बारे में, देखा जाए दोस्तों महेश बाबू की इस मूवी ने अपने पहले दिन ओपनिंग तो बहुत ही दमदार ली थी, लेकिन फिर इसका कलेक्शन इतनी तेज़ी से गिरता गया कि अब इसको हिट होने में भी लाले पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम इसके कल यानी 7वें दिन गुरुवार की बात करें तो इस मूवी ने 4 करोड़ 65 लाख की कमाई करी है और इसी के साथ इसका जो नेट कलेक्शन है वो हो गया है 106 करोड़ 40 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें तो इस मूवी ने 158 करोड़ की कमाई कर ली है। अगर दोस्तों हम आज यानी कि शुक्रवार की बात करें तो ये मूवी 6 करोड़ का ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रही है और ये इतना कर लेती है तो इसका टोटल नेट कलेक्शन हो जाएगा 112 करोड़ रुपए। और वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये मूवी 165 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर देगी। और वहीं दोस्तों अगर हम मेरी क्रिसमस के बारे में भी बात कर लें तो देखा जाए 7वें दिन भी इस मूवी ने 1 करोड़ 5 लाख की कमाई करी है और इसी के साथ इसका जो टोटल नेट कलेक्शन है वो हो गया है 14 करोड़ 87 लाख रुपए। और आज इसका सेकंड शुक्रवार है और ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मूवी आज भी 1 करोड़ के ऊपर का ही कलेक्शन करेगी और ये इतना कर लेती है इसका जो नेट कलेक्शन है वो हो जाएगा 16 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 22 करोड़ रुपए और दोस्तों बजट तो 50 करोड़ के ऊपर है। तो आप समझ जाइए कि मेरी क्रिसमस की हालत कितनी बुरी चल रही है। अगर हम बात कर लें दोस्तों कैप्टन मिलर के बारे में तो देखा जाए दोस्तों ये मूवी अपने 7वें दिन यानी गुरुवार वाले दिन सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख का ही कलेक्शन कर पाए, इसी के साथ इसका टोटल नेट कलेक्शन हो गया है 40 करोड़ 40 लाख रुपए। वहीं वर्ल्ड वाइड के मामले में देखा जाए इस मूवी ने 62 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर डाला है। और आज अगर शुक्रवार की बात करें तो दोस्तों आज भी ये मूवी 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाते हुए दिख रही है और यकीन मानिए इतना कर लेती है तो इसका जो नेट कलेक्शन है वो 42 करोड़ के प्लस चला जाएगा और आने वाले समय में दोस्तों ये जो मूवी है धीरे धीरे ही सही हिट का टैग तो प्राप्त कर ही लेगी, क्योंकि इस मूवी का बजट ही 50 करोड़ रुपए है। और ऐसे में देखा जाए दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में तो इस मूवी ने 62 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अब ये मूवी नेट कलेक्शन का मामला
कब तक कि यह 50 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो मूवी है कब तक के हिट का टैग प्राप्त कर सकती है। वैसे दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।